नमस्कार। हम आगे चलते हैं, जो कड़ी हमारी पावर ऑफ माइंड की है, आगे इसको चलते हैं। हम लास्ट टाइम हमने बात करी थी संकल्पों से सिद्धि, थोड़ा सा उसको क्विक इसका रीकैप करते हैं। हमने वो सोचना है जो हमको चाहिए, जो हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। फेक इट टिल यू मेक इट, ये संकल्प हमने इम्पोर्टेंट है। ये संकल्प हमने रात को सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड एंड वंस वी गेट अप फ्रॉम इन द मॉर्निंग, उस टाइम लेने हैं। उसका ग्रेटिट्यूड कीजिएगा पहले, और उसके बाद रात को सोने से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जब क्योंकि हम सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव हो जाता है, और लास्ट थॉट जो हम उसमें डाल रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करता है, उसको चर्न करता है सारी रात, 6 घंटे 8 घंटे। और सुबह जब हम उठते हैं, उसका पहले ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड, उसका शुक्राना करके, उसके बाद फर्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो हम वो फर्स्ट 10 मिनट्स में उसमें डालेंगे वो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो हमने वो डालना है जो हमको चाहिए, चाहे आपकी जॉब के बारे में है, चाहे आपके रिलेशनशिप के बारे में है, चाहे आपकी हेल्थ के बारे में है, चाहे किसी भी सिचुएशन के बारे में है। अब हम जो अभी तक हमने बात करी है, अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको कलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, 3 4 5 एग्जाम्पल, पावरफुल एग्जाम्पल के साथ। मैंने अभी रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू ए बुक कॉल्ड मेडिसिंस टू मेडिटेशन बाई रिटन बाई डॉक्टर पुष्पा पांडे। शी इज़ ए हेड ऑफ गायनोकोलॉजी इन जबलपुर हॉस्पिटल कॉल्ड बॉम्बे हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उन्होंने ये बुक लिखी है, फ्रॉम कैंसर टू वेलनेस, ए जर्नी फ्रॉम कैंसर टू वेलनेस। शी हरसेल्फ वाज डाउन विद कैंसर, 3rd grade cancer, और उन्होंने ये कैसे जर्नी पार की, फ्रॉम हियर। यस, उन्होंने रेडिएशन भी ली, कीमोथेरेपी भी ली, और उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा जो उनको उनका पावर ऑफ माइंड से, मेडिटेशन से फ़र्क पड़ा, हीलिंग मेडिटेशन से फ़र्क पड़ा, जो हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने अफर्मेशंस ली, उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, उन्होंने फूड को चार्ज किया, उन्होंने विजुअलाइजेशन की, उन्होंने मेडिटेशन की, और आज उन्होंने ये बड़ी रिसेंट इसी साल की वो पब्लिश की हुई बुक है, और आज शी इज एब्सोल्युटली फाइन। और ये किताब उन्होंने उसके बाद लिखी है। नंबर 2, ये हार्वर्ड की एक एग्जांपल है। हार्वर्ड में यूनिवर्सिटी में, आई थिंक वी ऑल नो अबाउट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उन्होंने 5 पियानो बजाने वाले लिए और उनको बोला गया कि आप 5 दिन 1 घंटा रोज पियानो बजानी है। एक्चुअल में उन्होंने साइंटिस्ट लिए, डॉक्टर्स लिए, जो उनकी उसके बाद मैपिंग करते थे, उनको एनालिसिस करते थे। तो वो 5 पियानो बजाने वाले ने 5 दिन फर्स्ट 5 डेज फिजिकल पियानो बजाई 1 घंटा रोज। उनके बाद उनके ब्रेन की मैपिंग हुई, स्कैनिंग हुई, रिकॉर्ड किया गया डाटा। उसके बाद उन्हीं पियानो बजाने वालों को उन्होंने बोला कि अगले 5 डेज आपके पास पियानो नहीं है, फिजिकल पियानो नहीं है, अपने मन से पियानो बजानी है, फॉर 5 डेज 1 hour each a day। स्कैन किया गया, मैप किया गया, दोनों डेटर्स को आपस में कंपैरिजन किया गया। कैन यू बिलीव द रिजल्ट्स? अस्टॉनिशिंग, बोथ रिजल्ट्स वर एब्सोल्यूटली मैचिंग, जो एक्चुअल हुआ और जो मन से हुआ। Now you can, and their analysis was, brain cannot distinguish between actual and imaginary. Brain हमको जो actual बात हो रही है, जो हम मन में बात कर रहे हैं, उसको distinguish नहीं कर रहा है, और जो हम सोच रहे हैं उसका effect भी उतना equal है, इतना ही है जो actual में हो रहा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी आज किसी के साथ 5 मिनट के लिए कहा सुनी होगी, कोई गुस्सा हो गया मैं किसी के साथ 5 मिनट के लिए हुआ, वो बाद मेरे को 5 घंटे 5 दिन 5 हफ्ते 5 महीने 5 साल नहीं भूलती।
जब भी मैं वो बात करता हूँ, वो अंदर में वो केमिकल, वो कॉर्टिसोल, वो पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता जिसके साथ हुई है। मैं अपने आप में सोच से, अपनी सोच के साथ, मेरी पीठ दर्द है, पीठ ही नहीं ठीक हो रही, होती नहीं है, कैसे करे ये वो, मेरी पीठ दर्द यहाँ की यहाँ हो जाएगी। सोच प्लीज़, योर थाट कैन बी ए अमृत, योर थाट्स कैन बी ए पॉइजन ऑल्सो। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, वेरी वेरी पावरफुल एग्जाम्पल, आई एम वेरी मच फैसिनेटेड विद दिस एग्जाम्पल। डॉक्टर मोहित गुप्ता हुए हैं ये, ही इज प्रेजेंटली द हेड ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली। उनकी अपनी आप बीती, वो उन्होंने बताया कि 2003 की बात है, मैं एमडी कर रहा था कार्डियोलॉजी की, मेरे को फील हुआ कि एक्चुअल में उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मेरे को फिट्स पढ़नी शुरू हो गई हैं, दौरे पढ़ने शुरू हो गए हैं। एनालिसिस किया, चेकअप किया, उन्होंने दिखाया उस वीडियो में, मैंने देखी है वो वीडियो, उन्होंने एमआरआई दिखाई अपनी, ये वीडियो में उन्होंने जब एमआरआई हुई वहाँ पर एक मास था ब्रेन में, एक क्लॉट्स जैसा था एक ब्रेन में। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया, इंजेक्शन, व्हाट ही टोल्ड कि 19 मेडिसिन अवेलेबल थी वर्ल्ड में इस टाइप के क्लॉट के लिए, 18 मेडिसिन मेरे को असर नहीं करनी थी बिकॉज ऑफ माई बॉडी स्ट्रक्चर। एक ही इंजेक्शन था जो मेरे को एक एक मिलीमीटर के ऊपर लगता था, मैं ले रहा था, मेरे को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, मैं आई फेल्ट बेटर और मेरे दौरे जो मेरे फिट थे वो काफ़ी कम हो गए। ये चलता रहा 6-8 महीने, साल चलता रहा, साल के बाद मेरे को वो रीअकर दोबारा होने शुरू हो गया। अब डॉक्टर्स ने बोला कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा ब्रेन का। मेरा ऑपरेशन हुआ 6 घंटे, इट वॉज़ ए मेजर ऑपरेशन, 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ। 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद मैं दवाइयों के ऊपर आ गया और मेरे को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। ये MRI नंबर 2, बिल्कुल मास जो था, क्लॉट था, निकल गया और मैं बिल्कुल अपने आप को अच्छा फील करना शुरू कर दिया। कोई दवाइयाँ भी लेता रहा था, 18-20 गोलियाँ रोज की खाता था, बट आफ्टर अबाउट सम टाइम, 6-8 महीने, साल के बाद मेरे को फिट्स दोबारा पड़ने शुरू हो गए। नाउ डॉक्टर्स टोल्ड के अब दोबारा हम ब्रेन की सर्जरी नहीं कर पाएंगे, हम ब्रेन को दोबारा ओपन अप नहीं कर पाएंगे, आपको दवाइयों से ही शुरू करना पड़ेगा। ये मैंने दवाइयाँ ली बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई वॉज इन टू स्पिरिचुअलिटी एट दैट टाइम। डॉक्टर मोहित ही सेड कि मैं स्पिरिचुअलिटी में था 30-35 साल की, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मेडिटेशन से अपने शुरू करूं, अपने आप को हील करूं। मैंने रोज डेली 1/2 घंटा 1/4 घंटा पूरा पानी का ग्लास रखकर पूरी हीलिंग मेडिटेशन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में मैंने वो शुरू की। मैं 6-8 महीने कुछ टाइम ऐसे मैंने मेडिटेशन की, अपने रोज करता था, पूरे भाव से करता था, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे में आ रही हैं। मैंने वो सोचा जो मेरे को चाहिए, प्लीज़ दैट ओकेशन विच वी टॉक्ड अर्लियर, कि मेरे अंदर का जो ब्रेन का क्लॉट है वो ठीक हो रहा है, परमात्मा की शक्तियाँ अंदर जा रही हैं, वो बिल्कुल हील हो रहा है, मैं बिल्कुल हील्ड हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में हूँ। समथिंग लाइक दैट ही स्टार्टेड गिविंग सच अफर्मेशंस। 6-8 महीने के बाद उनका MRI नंबर 3 उन्होंने दिखाया, क्लॉट गोन। कहते अब 17 साल हो गए इस बात को, आई एम एब्सोल्यूटली फाइन, हाउ दिस हैपन्ड फ्रॉम हियर, लेट अस इसको आज समझने की कोशिश करें। ये पावर है यहाँ पर, बहुत पावर हाउस है यहाँ पर जो अनटैप्ड है, जो आज तक हमने इसकी शक्ति को नहीं पहचाना। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। आई नो ए लेडी शी वॉज डाउन विद ए ब्रेस्ट कैंसर एंड शी टोल्ड मी हर ओन इंसिडेंट। कहते 5-7 साल पहले मेरे को ऐसे मेरे बेबी होना था, और साथ के साथ जब पता चला कि मेरे को जो रिपोर्ट्स आई तो मेरे को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। एंड एवरी डॉक्टर, आई शोड दैट रिपोर्ट टू मैनी डॉक्टर एंड एवरी डॉक्टर टोल्ड आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आई टोल्ड मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, अगर मैं ऑपरेशन करवाना या रेडिएशन या कैमोथेरेपी जो भी होता है मेरे बेबी को अफेक्ट होगा, मैंने नहीं करवाना। मैंने शी वॉज ऑल्सो इन टू स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही उसने कहना शुरू किया,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शक्तियाँ, उसकी लाइट, हीलिंग लाइट एनर्जी मेरे में जा रही है, उस ऑर्गन में जा रही, मैं ठीक हूँ। कहती है 5 साल हो गया, 8-7 साल हो गए इस बात को, मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये है पावर ऑफ माइंड की बात। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ और इसको वाइंड अप करते हैं। एम्स वालों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने भी शायद सुना हो, उन्होंने कुछ पेशेंट लिए जिनको कुछ नॉर्मल उनकी सर्जरी हुई थी और उनको जो भी पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं, सेकंड ग्रुप को वे भी उन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर किए, बट उसमें ओम की ध्वनि लगा दी, कैन यू इमेजिन द रिजल्ट्स। यहाँ वो ओम की ध्वनि लगाई हुई थी, उनकी हीलिंग वॉज फार फास्टर एंड हेल्दियर, वो जल्दी हील हुए और अच्छे से हील हुए। ये है हमारी पावर ऑफ माइंड के ऊपर, इसी को हम नेक्स्ट कड़ी में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। थैंक यू।